हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर EVS। टुडे वी विल सी लेसन टू, माय एक्सटेंडेड फैमिली। लेट्स सी, द पीपल वी लिव विथ इन अवर होम आर अ पार्ट ऑफ अवर इमीडिएट फैमिली। अदर मेंबर्स हु लिव सेपरेटली आर अ पार्ट ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली। We meet our extended family on happy occasions like weddings, birthday parties, the birth of a child and festivals. We also share our sorrows with them on occasions like any death in the family. What is called immediate family? जो हमारे साथ में रहते हैं हमारे family members से, मतलब हमारे भाई बहन मम्मी पापा, वो होते हैं हमारे immediate family। और वॉट इज एक्सटेंडेड फैमिली? तो एक्सटेंडेड फैमिली हमारे रिलेटिव्स आते हैं जो हमको फेस्टिवल में या वेडिंग्स में, किसी बर्थडे पार्टी में, कोई ओकेजन पे मिलते हैं, तो वो हो गए हमारे एक्सटेंडेड फैमिली। यू कैन सी हियर योर इमीडिएट फैमिली, दैट मीन्स मम्मी पापा और भाई बहन जो साथ में रहते हैं, और ये है एक्सटेंडेड फैमिली जो रिलेटिव्स हैं, अंकल आंट, दादा दादी, नाना नानी, जो कोई ओकेजन पे आते हैं, कोई फेस्टिवल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, नॉट ओनली द रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर्स साइड बट ऑल्सो फ्रॉम द मदर्स साइड आर इंक्लूडेड इन अवर एक्सटेंडेड फैमिली। ऐसा नहीं है कि फादर साइड जो रिलेटिव है वही हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे मदर साइड जो रिलेटिव्स हैं, नाना नानी, मामा मामी, वो भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड होते हैं, उसको भी हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकते हैं। नाउ लेट्स सी हियर स्पेशल फैमिली ओकेजन्स। पीपल सेलिब्रेट मैनी ओकेजन्स। There are special ceremonies to welcome new babies in the family and other ceremonies for children at different stage of their life. Many of us have the Namakaran ceremony, Mundan ceremony or the Janeyu ceremony to welcome the babies. Let's read about the Namakaran ceremony of Gauri's brother. Namakaran ceremony. Gauri is very happy today. She has dressed beautifully in a salwar suit. Today her brother is 40 days old and it is his Namakaran or naming ceremony. Namakaran ceremony ko hum naming ceremony bhi bol sakte hain. Gauri's family members have decided to name him Ansh. Many of their relatives and friends have come. Relatives from both sides of the family, her mother's and father's side, are present. Gauri's Nana and Nani have also come along with her Mama and Mami. Gauri's Dadaji is also very happy because her daughter Mona has also come with her children. Everyone is excited to meet each other. गौरी के दादाजी भी खुश थे क्योंकि उसकी डॉटर, मतलब गौरी की बुआ आने वाली थी, अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, और गौरी के नाना नानी और मामा मामी भी साथ में आए हुए थे। लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। गौरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर अंकल मोहित। अंकल मोहित इज अ फोटोग्राफर। ऑल द इक्विपमेंट दैट ही कैरीज फैसिनेट्स हर सो मच। He carries his camera, different lenses and tripod wherever he goes. He has taken many pictures of the Namakaran ceremony. Gauri wants him to teach her photography. She also wants to be a wildlife photographer like him. He is the first person in the family who has taken up such a profession. Uncle Mohit told Gauri that at first father wanted uncle to be a doctor. He felt that photography was not a respectable profession to choose, but uncle was sure that this was what he wanted to do in life. Now everyone is very happy with his decision. जो गौरी का फैमिली है उसमें उसके अंकल है, एक मोहित अंकल, उसका नाम था मोहित, तो वो फोटोग्राफर थे। उसने नामकरण सेरेमनी के सारे पिक्चर लिए, और ये गौरी को कुछ अजीब लग रहा था, उसको कुछ सीखने की एक्साइटमेंट थी,
वो जानना चाहती थी ये अंकल कैसे कर रहे हैं, वो सीखना चाहती थी ये कैसे पिक्चर्स आते हैं। तो उसने अंकल को बोला, मुझे भी आप जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, मुझे भी ये सिखाओ। अंकल मोहित ने बताया, पहले मैं जो ये फोटोग्राफर का प्रोफेशन चूज़ किया वो दादाजी को पसंद नहीं था, उसके पापा को पसंद नहीं था, लेकिन अभी सब लोग खुश है ये प्रोफेशन चूज़ करके। दादाजी चाहते थे कि अंकल मोहित जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन अभी वो फोटोग्राफर बन गए क्योंकि उसको फोटोग्राफर बनना था, उसको फोटोग्राफी पसंद थी। ठीक है, और गौरी को भी क्या बनना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। लेट्स सी नेक्स्ट। डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। गौरीज फैमिली गेट्स टुगेदर टू टेक डाउन डिसीजंस। Her father, mother and Gauri sit together for any kind of decision and everyone has the right to give his or her views. Then the best option is chosen. Gauri's father wanted to buy a new car. He spoke to Gauri's mother about it. They both talk about the money they could spend and the models of cars that were available within their budgets. Then Gauri's father asked her if she had any particular model in her mind. He remembered her that they couldn't afford to buy a big car. Gauri remembered one particular advertisement of i20 car. She really liked that car. She told her father about it and the final decision to buy i20 car was taken. अब क्या होता है, फैमिली में जो भी कोई डिसीजन लेना होता है तो कैसे करते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, पूरा फैमिली साथ में बैठते हैं। तो इधर गौरी के फैमिली में भी उसको उसके पापा है, उसको कार खरीदनी है, न्यू कार लेनी है, तो उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं और गौरी भी साथ में बैठती है कि हमारे बजट इतना ही है, तो इतने बजट में हम लोग कैसी कार खरीद सकते हैं, कौन सा मॉडल अवेलेबल है इतने बजट में। ठीक है, तो गौरी को एक एडवर्टाइजमेंट याद थी i20 कार की, उसको वो कार पसंद भी थी और वो उनके बजट में भी थी, तो वो लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया i20 कार खरीदने का और वो लोगों ने खरीद ली। लेट्स सी नेक्स्ट। फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। After the Namakaran ceremony was over, Gauri's family members were ready to go to an orphanage and a blind school to give clothes and food to the children there. This tradition was started by their grandparents. They had a feeling that we should help others. Only then God helps us. They do this on every special occasion. Gauri even gave her old books to the children. Such good traditions and values are passed on to generations in the family. This is how our world will become a better place to live in. Thus, we can say that a family, both immediate as well as extended, plays an important part in our lives. गौरी के फैमिली में एक ट्रेडिशन था। क्या ट्रेडिशन था? ये नामकरण सेरेमनी फिनिश हो गई, उसके बाद वो लोग क्या कहाँ पे जाएंगे, ऑर्फनेज और ब्लाइंड स्कूल, जहाँ वो दूसरे लोगों को मदद करेंगे, क्लॉथ देंगे, फूड देंगे, खाना देंगे और दूसरों को हेल्प करेंगे। वो लोग सोचते हैं कि हम किसी की मदद करेंगे तभी गॉड हमारी मदद करेगा, गॉड हमसे खुश रहेगा। तो वो ट्रेडिशन कहाँ से चली आ रही है, गौरी के दादा दादी से, ग्रैंड पेरेंट से। और गौरी भी अपनी ओल्ड बुक जो है वो दूसरे बच्चों को दे देती है, गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नया बुक खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोगों को गौरी अपनी पुरानी बुक दे के हेल्प करती है। लेट्स सी फैक्ट। आई हैव लर्नड माई वैल्यूज फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। कम रीड वॉट आई हैव लर्नड। Respecting elders, participating in social gatherings, welcoming guests, speaking politely to others, sharing my problems with elders, taking advice of my elders, ये सारी चीज़ें गौरी को किसने सिखाई है, उसके फैमिली मेम्बर्स ने, वो अपने फैमिली से ये सारी बातें सीखी है। ठीक है, नाउ लेट्स रिमेंबर दिस पॉइंट।
Number 1. The people we live with in our home are a part of our immediate family. Number 2. Other members who live separately are a part of our extended family. Number 3. We meet our extended family on happy occasions like a wedding, a birthday party, the birth of a child, and festivals. Number 4. We learn many things from family members. Number 5. It is good to take the advice of every family member before decision making. Number 6. A family plays an important part in our lives. So, today for this only. Thank you, children. We will meet in next lecture. Till then, keep learning, keep growing. Bye.